नमस्कार, मेरे चैनल सास बहु यूटोपिया पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अधिक मास का 29वां अध्याय। वह जानने से पहले, अगर आपने मेरी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दे तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं 29वां अध्याय। 29वां अध्याय शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम 28वें अध्याय के बारे में जान लेते हैं कि 28वें अध्याय के अंत में क्या हुआ था। 28वें अध्याय के अंत में हमने सुना था कि इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण कर वह महाभाग बानर अपने शरीर को देखकर अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख, जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है, कैसे मिला। मैंने तो कभी कोई सुकृत कार्य किया ही नहीं जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त हूँ। यहीं पर हमारा 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ था। 29वां अध्याय। उस कदरिये के ऐसे वचन सुनकर दूत कहने लगे, क्या तुमने बड़ा भारी कार्य नहीं किया? हे प्रभो, सबसे उत्तम मास कैसे नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास श्री विष्णु का प्रिय है और महापवित्र है। उसमें तुमने ऐसा तप किया है जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त हो सकता। हे महाराज, वन में बंदर की देह में तुमने इसका प्रभाव नहीं जाना। अनजाने में मुख के रोग से तुम्हारा निराहार व्यर्थ हो गया। तुमने बंदरपन की चंचलता से वृक्ष के फल तोड़कर पृथ्वी पर फेंक दिए। उनसे दूसरे मनुष्य तृप्त हो गए और अंदर के बड़े भारी दुख से पानी भी नहीं पिया। इसलिए तुम्हारे अनजाने में बड़ा भारी तप हो गया और फलों के गिराने से परोपकार भी हो गया। तीर्थ में 5 दिन गोते भी खाए। इसी से पुरुषोत्तम मास में तुम्हारा स्नान का फल भी हो गया। इस प्रकार तुम रोगी का अनजाने तप हो गया, सो यह सब फल सफल हो गया। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहे हुए अपने भाग्य को सुनकर वह गोलोक को जाकर प्राप्त हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की बढ़ाई करते हुए सब अपने अपने स्थानों को चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे तपोनिधे, आपने दिन के प्रथम भाग का कृत्य कहा, पिछले भाग का कृत्य कैसे करना चाहिए, कृपा करके यह भी कहिए। श्री नारायण बोले, प्रातःकाल का कर्म विधि से समाप्त कर फिर मध्यान्ह काल की संध्या कर तिलों से तर्पण करें। अतिथि के लिए द्वार पर देखे, जो अतिथि भाग्य से गो के धोने के समय आ जाए तो उसकी पूजा करें। अत्यंत भक्ति से यथाशक्ति अनादि से उसको संतुष्ट करें। भगवान यम कहते हैं कि फिर पूर्व की तरफ मुख करके मौन होकर शुद्ध सुंदर पात्र में अन्न की सराहना करता हुआ भोजन करें। पहले स्वाहा के अंत में ओंकार का उच्चारण कर घी से लपेटे हुए 5 ग्रासों को बिना दांत लगावे जिहा से निगल जाए। फिर मन लगाकर पहले मीठा भोजन खाए। ब्राह्मण शास्त्र विरुद्ध अभक्ष्य भोज्यादिक पदार्थों को ना खाए। सूखा बासी भोजन भी अभक्ष्य कहा है। भोजन पर बैठकर श्रेष्ठ मार्ग का विरोध ना करें। श्रेष्ठ शास्त्र के आशय से परब्रह्म श्री कृष्ण का विचार कर फिर बुद्धिमान पुरुष सर्वत्र आजीविका ना हो तो भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी आत्मविद्या श्रवण करे। फिर यथेष्ट अपना काम धंधा करे और संपूर्ण सिद्धियों के देने वाले श्री कृष्ण चंद्र का मन में ध्यान करे। सूर्य के अस्त होने पर तीर्थ अथवा घर पर जाकर पैर धोकर सायंकाल की संध्या करे। सायंकाल की संध्या करके अग्नि को आहुति देकर अनुचरों सहित अल्प भोजन करने बैठ जाए। भोजन कर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर जाए। गृहस्थी पुरुष सदैव भली प्रकार से गृहस्थ के कर्मों को करे। हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य बोलना, सब प्राणियों की रक्षा और दया करना, यह सब गृहस्थियों के लिए धर्म कहे गए हैं। यहीं पर हमारा 29वां अध्याय संपूर्ण होता है। 30वां अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखना ना भूले। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री हरि। धन्यवाद।